बढ़ते खबरों की ओर, जहां सिंगरौली में साइबर ठगी का शिकार बने वेद प्रकाश व्यास ने थाना सहित पुलिस अधीक्षक में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 22 अगस्त को उनके साथ 4 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की गई थी। जालसाजों ने उन्हें व्हाट्सएप कंपनी ग्रुप का लिंक दिया था और इसमें ओपन करने को कहा। जैसे ही उन्होंने लिंक ओपन किया, उनके मोबाइल से व्हाट्सएप गायब हो गया और जब तक उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ तब तक शिकायतकर्ता के खाते से एक बड़ी राशि काट ली गई थी। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है और जनता से ऐसा न करने की अपील की है। उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक ऐप दिया था, आपने उसको टच किया। मैं बोला हमने टच किया है, मेरा व्हाट्सएप चला गया है पूरा। बोला आप ऐसा कीजिए कि सेटिंग में जाके आप जाके वहाँ पर डीएक्टिवेट कर, आपको व्हाट्सएप चलने लगा। मैं फ़ोन के सेटिंग में गया, कुछ किया डीएक्टिवेट, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बैंक के मैसेज आ रहे हैं। मैं उसमें मैं डर गया, मेरा क्या होगा, मैसेज कैसे आने लगी है सब कुछ। तो मैंने बैंक को फ़ोन लगाया, फोन लगाने के बाद मैंने बैंक से अपना एक खाता क्लोज कर होल्ड करा दिया। मेरा करेंट अकाउंट है जिसको मैंने होल्ड करा दिया, और एक और सीसी अकाउंट है जिसको मैं होल्ड नहीं करा था। उससे उसी समय करीब 5 मिनट बाद मेरे खाते से पैसा कटना स्टार्ट हो गया। मेरे खाते से 2,40,000 रुपये कट गए। उसके बाद मैंने उस बैंक को होल्ड तो करा दिया, मेरे खाते से 4,40,000 कट चुके।